दोस्तों, दुनिया के दो सबसे ताकतवर देश अमेरिका और रूस की जिद ने पूरी दुनिया को एक बड़े संकट की ओर ढकेल दिया है। ना तो रूस यूक्रेन पर हमले को रोक रहा है और ना ही अमेरिका रूस से प्रतिबंध को हटा रहा है, और इसका परिणाम ये हो रहा है कि दुनिया एक बड़े आर्थिक संकट से लेकर भुखमरी की ओर बढ़ रही है। ऐसे में एक ऐसा फैसला लिया गया है जिस पर पूरी दुनिया अमेरिका पर भड़क रही है और इसे उसका एक ब्लंडर करार दे रही है। दरअसल, जैसा कि आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं, हुआ यूं कि रशिया की तरफ से एक ऑफर दिया गया अमेरिका को कि जिस तरह से दुनिया भर में फूड क्राइसिस चल रहा है, अफ्रीकी देशों से लेकर कई बड़े देशों में भुखमरी जैसे हालात बन रहे हैं, वहीं वीट यानी गेहूं के प्राइस रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, जिसका कारण मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि रशिया यूक्रेन का युद्ध है, क्योंकि दोनों ही देश रूस और यूक्रेन वीट के एक बड़े एक्सपोर्टर हैं। ऐसे में अमेरिकी प्रतिबंध के कारण रूस तो दुनिया को वीट नहीं बेच पाएगा क्योंकि पेमेंट इशू आ जाएगा, लेकिन रशिया ने एक ऑफर अमेरिका को दिया है कि जो यूक्रेन के बंदरगाह हैं, जो फिलहाल रशिया के अंडर में हैं, ऐसे में रशियन फोर्स वहां से हट जाएगी, जिससे यूक्रेन कम से कम दुनिया को गेहूं की सप्लाई कर सके। अब यहां पर रशिया की तरफ से ऐसा करने के पीछे डिमांड ये रखी गई कि हमारे ऊपर से कुछ सैंक्शन हटा लिया जाए, इससे जहां एक और पूरी दुनिया को गेहूं मिल पाएगा और इसकी शॉर्टेज कम हो जाएगी, साथ ही उसके प्राइस भी कम हो जाएंगे, जिससे दुनिया को दिक्कत ना हो, और इसके बदले सारे सैंक्शन ना सही कुछ सैंक्शन अमेरिका हटा ले, जिससे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वगैरह हो सके। देखा जाए तो रूस का ये ऑफर बुरा नहीं था, क्योंकि वीट की शॉर्टेज से पूरी दुनिया सफर कर रही है, लेकिन सिर्फ अपना हित देखने वाला अमेरिका ने इस रशियन ऑफर को ठुकरा दिया। अब दोस्तों, इस ऑफर को ठुकराने का खामियाजा पूरी दुनिया कैसे भुगतेगी, एक गलत नीति का परिणाम क्या होगा और इसमें भारत का क्या रोल रहेगा, साथ ही ये पूरा मामला क्या है, इसको समझते हैं थोड़ा विस्तार से। दरअसल, अभी तक रशिया यूक्रेन के युद्ध की वजह से केवल ऑयल को लेकर चर्चाएं थी, लेकिन इस महीने 13 मई को भारत द्वारा वीट एक्सपोर्ट पर बैन लगाने से वीट की चर्चा ने जोर पकड़ लिया, और देखते ही देखते 15 दिन के अंदर पूरी दुनिया में ये तेल की बढ़ती कीमतों से भी बड़ी समस्या बन गई है। भारत ने आती हुई समस्या को पहले ही भांपते हुए इस पर बैन लगा दिया। आज हालात ये है कि अमेरिका सहित 68 वो देश जो भारत से गेहूं खरीदते थे, वो भारत से इसका बैन हटाने की गुहार लगा रहे हैं। हाल ही में IMF चीफ ने तो यह तक कह दिया था कि हम भारत से भीख मांग रहे हैं कि वो प्लीज इस पर से बैन हटा ले, लेकिन भारत अपने रुख पर अभी भी कायम है। भारत सरकार ने यह फैसला लिया है कि पहले अपना स्टॉक भरा जाएगा, वहीं पर हर प्रदेश की जरूरत के हिसाब से एक्सेस गेहूं पहुंचाया जाएगा, फिर अगर सप्लाई करने की जरूरत होती है तो हम इस पर से प्रतिबंध को हटाएंगे। अभी इस पर से प्रतिबंध हटाने के मूड में फिलहाल भारत नहीं है। अभी तक भारत ने गेहूं की सप्लाई डोर थामी हुई थी, लेकिन जैसे ही भारत ने ये डोर छोड़ दी, समस्या खड़ी हो गई है, और यही कारण है कि रूस द्वारा यह एक ऑफर अमेरिका को दिया गया। अगर अमेरिका इस प्रस्ताव को मान लेता तो पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन कम हो जाता, साथ ही मार्केट में इस होप से कि रूस और यूएस मिलकर बात कर सकते हैं उससे उछाल आता और पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता मार्केट पर। लेकिन अमेरिका का ये ऑफर ठुकराना साफ दिखाता है कि अमेरिका शांति के पक्ष में नहीं है। हम शुरू से ही ये कह रहे हैं कि इस युद्ध से जो सबसे बड़ा फायदा हो रहा है वो अमेरिका और ब्रिटेन को ही हो रहा है, क्योंकि एक तरफ ये देश अरबों डॉलर के हथियार यूक्रेन को बेच रहे हैं, और अब तो यूक्रेन ही नहीं उसके पड़ोसी देश भी डर के मारे हथियार अमेरिका से ले रहे हैं, जिससे खूब पैसे अमेरिका कमा रहा है। वहीं पर बिना हथियार उठाए रूस को लगातार इकोनॉमिकली और इंटरनली वीक भी किया जा रहा है। यही कारण है कि एक बार भी युद्ध रुकवाने का प्रयास अमेरिका की तरफ से नहीं किया गया है, उल्टा भड़काने का काम ही उसने किया है। अमेरिका को इस समय इन्फ्लेशन वगैरह की फिक्र नहीं है, वो चाहता है कि ये युद्ध लंबा खींचे, क्योंकि ऑयल वगैरह का रिजर्व ऑलरेडी अमेरिका के पास है इस तरह की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए। वहीं पर अमेरिका वीट का भी एक बड़ा एक्सपोर्टर है, ऐसे में उसका कहीं से भी कोई नुकसान नहीं हो रहा। अब इससे होगा ये कि धीरे धीरे कई देश चीजों के एक्सपोर्ट पर बैन लगाना शुरू कर देंगे, क्योंकि मार्केट में अनिश्चितता फैल रही है। जैसे कि इंडोनेशिया ने पहले पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया, वहीं भारत ने वीट और अब सुगर के एक्सपोर्ट पर भी भारत ने बैन लगा दिया है, यानी कि आने वाले समय में ये स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ने वाली है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेट प्राइस ने रूस के ऑफर पर कहा कि चीजों की कीमत को कम करने का रशियन आइडिया बेकार है। उन्होंने कहा कि हम बेशक रूस के खाली वादों के जवाब में बैन को नहीं हटाएंगे। वहीं रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो बैन को हटाने के बदले काला सागर में यूक्रेनी फसलों को एक्सपोर्ट करने के लिए एक मानवीय गलियारा देगा। वहीं पर इससे पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एक विशेषज्ञ ने इसमें ये कहा था कि युद्ध के नतीजे विश्व भर की अर्थव्यवस्थाओं को सालों तक इफेक्ट करते रहेंगे। रूस के आक्रमण करने से पहले यूक्रेन में लगभग 6 मिलियन टन गेहूं और तिलहन का एक्सपोर्ट होता था, लेकिन जब से मॉस्को ने देश के बंदरगाहों की नाकाबंदी शुरू कर दी है, तब से उनका एक्सपोर्ट 2 लाख टन तक गिर गया है। अगर अमेरिका ने अपनी जिद ना छोड़ी तो इसका नुकसान दुनिया को उठाना पड़ेगा। आपके हिसाब से क्या अमेरिका को इस ऑफर को मान लेना चाहिए था या नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।